आचार्य जी, मंत्र योग माइंड और बॉडी के स्ट्रेस के लिए कितना इफेक्टिव है और कैसे? ओके, मंत्र योग माइंड और बॉडी के स्ट्रेस के लिए कितना इफेक्टिव है। देखिए, आजकल स्ट्रेस जो है वो सभी को है, और स्ट्रेस माइंड और बॉडी दोनों के अपने अपने स्ट्रेस हैं, दोनों के अपने अपने तनाव हैं। पहली बात तो हम ये समझें कि तनाव है क्या, माइंड और बॉडी के तनाव को हम कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं। तो सभी को दौड़ भागे, सभी के साथ जिंदगी की जो जद्दोजहद लगी हुई है बहुत दौड़ भाग की है। किसी को कमिटमेंट करना है पूरे, किसी को टास्क है, किसी के पास कोई असाइनमेंट है, किसी को टाइम का मैनेजमेंट करना है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना है। हाउसवाइफ हो, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, सर्विस सेक्टर्स वाले हों, डॉक्टर्स हों, कोई भी हो, सभी के साथ में इतनी ज़्यादा दौड़ भाग है टाइम मैनेजमेंट की, इसकी निरंतरता जो होती है, कमिटमेंट पूरे करना है, मेरे ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स पूरे करना है, ये सब की जो जद्दोजहद, रोज का जो टाइम मैनेजमेंट, टाइम रश, दौड़ भाग, इससे फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल एक्सर्शन होता है, कुछ के काम पूरे होते हैं, कुछ काम पूरे नहीं हो पाते। उस जगह पे बॉडी भी और माइंड भी है, तो बॉडी पे भी स्ट्रेस हो रहा है, बॉडी को भी एक्सर्शन हो रहा है, और माइंड में, एक्टिव माइंड में, मन में लगातार चिंता लग रही है, लगातार चिंतन चल रहा है कि काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम होगा, काम नहीं होगा। ये दोनों चीजें सभी के साथ में स्ट्रेस उत्पन्न करती है। शरीर का स्ट्रेस है, बॉडी में भी कोई स्ट्रेस है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होने से, आराम करने से, उस थकान को निकल जाना होता है। किसी ने कोई योगा कर लिया, किसी ने सुबह उठा थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया, उससे वो निकल जाता है, उससे वो रिलैक्स हो जाता है। अच्छी नींद ली, अच्छा भोजन लिया, उससे रिलैक्स हो जाता है। लेकिन मन में जो स्ट्रेस रहता है, मन लगातार सोचता रहता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बॉडी को थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन मन जो है, माइंड जो है, जिसको बॉडी और माइंड आपने जो पूछा है, तो माइंड का चिंतन तो लगातार चलता रहता है, वो तो रेस्टलेस है, सोचे जा रहा है। अब उसका स्ट्रेस कैसे दूर होगा? तो मन का, माइंड का स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं। माइंड का स्ट्रेस, एक्टिव माइंड, मन, उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं। उसका तनाव दूर करने के लिए कोई सर्जरी भी नहीं, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कि कोई मशीन वहां तक जाए और उसको प्लग को बंद करके वापिस आ जाए, तो निरंतर चलता रहता है। अब ऐसे समय पे मंत्र योग ही काम करता है, क्योंकि बाहरी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, है ना, बॉडी का जो एक्सर्शन हो गया उसके लेवल को, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपके पास रिलैक्सेशन मेथड्स हैं, बट अंदर के लिए जो है वो सिर्फ मंत्र योग है। मंत्र योग, योग जो हमने बात की है, योग कनेक्टिविटी है, मंत्र से कनेक्टिविटी, ओम और वैदिक मंत्रों की कनेक्टिविटी, जब ये लगातार होगा तो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। ओम का नाद और साथ में वैदिक मंत्र का सुनना, जब ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं तो ये मंत्र योग होता है। और जब ये धीरे 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 आपके अंदर लगातार माइंड में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो 21 दिन में, 21 दिन तक ओम का उच्चारण और वैदिक मंत्र का सुनना आपके माइंड को अंदर तक रिलैक्स करेगा, वहां के स्ट्रेस को कम करेगा।